अभी हम देखेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कोई सा भी मान लो प्रतिरोध दिया है तो उसमें हम लोग को कितनी धारा प्रवाहित करनी है, कितना उसमें विभवांतर देना है, तो वो कैसे पता चलेगा हम लोग को? कार्बन का जब स्पेसिफिक रेंज पता चलेगा, उसका वैल्यू पता चलेगा कोई सा भी प्रतिरोध का, तब हम लोग वहाँ पर जान सकते हैं कि इसमें इतना धारा प्रवाहित कर सकते हैं और इतना विभवांतर प्रवाहित कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्ण कोड हम लोग को जानना जरूरी है। कोई सा भी प्रतिरोध दिया है, आप लोग प्रतिरोध कहीं भी देखे होंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका कोई सा भी प्रतिरोध दिया रहेगा तो उसके कलर को देख के हम लोग कितना कितना उसका वैल्यू है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई सा भी प्रतिरोध दिया है, ठीक है, और प्रतिरोध में हमेशा क्या है, चार कलर होता है, कोई कोई समय पांच होता है, लेकिन जनरली चार कलर ही होता है, ठीक है। तो मान लो यदि कोई सा भी प्रतिरोध है, ठीक है, उसमें अगर देखो अगर ऐसा रंग दिया है, मींस ये कलर दिया है, तो हम लोग को ये अंक लेना है और ये गुणांक लेना है। मान लो ब्लैक कलर दिया है तो उसके लिए हम लोग को अंक लेना है 0 और उसका गुणांक लेना है 10^0 मीन्स 1, ठीक है। अगर ब्राउन दिया है तो 1 लेना है, 10^1 लेना है। अगर लाल या फिर रेड वही है, ठीक है, दिया है तो 2 लेना है, 10^2 लेना है। ऑरेंज दिया है तो 3 लेना है, 10^3 लेना है। येलो दिया है तो 4 लेना है, 10^4 लेना है, ठीक है। और ग्रीन दिया है तो 5 लेना है, 10^5 लेना है, ठीक है। और ब्लू दिया है तो 6 लेना है, 10^6 लेना है, ऐसे ही, और ठीक है ऐसे ही 9 तक लेना है। उसके बाद अगर लास्ट कलर अगर गोल्डन दिया है, ठीक है, तो हम लोग को उसके लिए क्या है, परसेंटेज निकालना है। अगर सिल्वर दिया है तो उसके लिए भी परसेंटेज है, 10% है, गोल्डन के लिए 5% है। और अगर कोई सा भी कलर नहीं रहता है, मान लो 3 ही कलर है, नो कलर, तो वहाँ पे हम लोग को 20% लेना है। ये परसेंट क्या है, उसकी रेजिस्टेंस की इफिशियंसी होती है, ठीक है। इफिशियंसी मीन्स क्षमता होती है, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है, और ये ट्रिक बहुत ईजी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसका मतलब क्या है, जो ब्रिटेन का रहने वाला एक महान राजा है बीबी रॉय, ठीक है, उसकी वाइफ जो है बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत अच्छी है, और जो क्या है, सोना और चांदी का हार पहनती है। समझ आया कि बीबी रॉय की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है और वो क्या पहनती है, सोना और चांदी के हार पहनती है, ठीक है। तो देखो अब बीबी रॉय इसका मतलब क्या है, बी से आएगा ब्लैक और बी से आएगा ब्राउन, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग को कलर मिल रहा है, ठीक है। बी मीन्स बी से ब्लैक और बी से ब्राउन, आर से रेड, ठीक है, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ठीक। अब देखो इसको छोड़ देना, ठीक है, ये ऐसे ही है। जहां जहां पे कैपिटल लेटर आएगा वहां वहां का कैपिटल लेटर का ही हम लोग को यूज करना है। अब देखो ग्रेट का यहाँ से जी ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ब्रिटेन का बी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। हैज देखो यहाँ पे फिर वो स्मॉल लेटर है, और भी का, वेरी का, ये देखो ये कैपिटल है, मीन्स भी का वॉलेट मीन्स बैंगनी कलर हो जाएगा। अब देखो गुड का जी का ग्रे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो व्हाइट मीन्स व्हाइट, यहाँ से डब्ल्यू लेंगे तो क्या होगा, व्हाइट, ठीक है। अब देखो बियरिंग, ये तो नहीं है, ये स्मॉल में है। अब देखो गोल्ड, यहाँ का जी कैपिटल में है मीन्स गोल्डन कलर हो जाएगा। सिल्वर, एस सिल्वर का एस सिल्वर ही हो जाएगा। नेकलेस, नेकलेस का एन से लेंगे तो नो कलर, ठीक है। समझ आया कि नहीं, आप देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। और ये शॉर्टकट ट्रिक है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हम लोग इससे हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ ये नंबर पे है। जैसे कि बीबी रॉय, ये तो 0 से हो गया, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये 10, 11, 12 ऐसे हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी बीबी रॉय से हम लोग इसको याद कर लेंगे तो हम लोग ये कलर कोडिंग जान जाएंगे, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस देखो ना, ठीक है, रेजिस्टेंस में जैसे चार कलर दिया है, ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। मान लो इसमें पहला कलर जो है लाल दिया है, कोई से भी रेजिस्टेंस है, इसका पहला कलर क्या है, लाल है, ठीक है। दूसरा कलर क्या है, काला है,
तीसरा का जो कलर है वो क्या है, नीला दिया है, और चौथे का जो कलर है वो सुनहरा दिया है। ठीक है, तो लाल के लिए यहाँ पे आप कोड देखो, लाल के लिए क्या है, दो है जी, लाल के लिए दो। ठीक, आप फिर क्या लिए हैं दूसरा में, काला, काला के लिए जीरो, दो, बीस। ठीक है, अब देखो तीसरा में क्या लिए हैं, नीला। ठीक है, नीला का क्या होगा, नीला का देखो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि लाल का है दो, काला का है जीरो, ठीक है, बीस हो गया। अब तीसरे में हम लोग को क्या लेना है, गुणांक लेना है, गुणा, अब सुनहरा नीला, नीला के लिए क्या होगा, नीला के लिए होगा ये देखो 10^6, 10^6 क्या हो गया, 6। अब लास्ट में क्या दिया है, सुनहरा, सुनहरा के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस 5%, ये हम लोगों का आंसर। ठीक, समझ आया कि नहीं। देखो पहले का, पहले दो कलर का हम लोग को क्या लेना है, जस्ट कोडिंग लेना है और रख देना है। ठीक है, तीसरे का क्या लेना है, हम लोग को गुणांक लेना है, और चौथे का परसेंटेज लेना है। समझ आया कि नहीं, पहले दो का जस्ट एज इट इज हम लोग अंक ले लेंगे, तीसरे का क्या करेंगे, तीसरे का गुणांक लेना है, यहाँ पे जो गुणांक दिया है। और देखो गुणांक भी कोई कठिन नहीं है, यहाँ जीरो है तो 10^0 हो गया, अगर 1 है तो 10^1 हो गया, 2 है तो 10^2 हो गया, सेम एज इट इज, 9 है तो 10^9 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर है। लास्ट में कर देना ओम, ओम क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का जो इकाई होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक, अब देखो दूसरे में, दूसरा में पहला कलर क्या दिया है, पीला दिया है, तो पीला का चलो इसमें देखो कौन से नंबर पे है, पीला है 5। ठीक है, पीला है यहाँ पे 5 नंबर पे है, लेकिन इसके लिए अंक कितना है, 4। ठीक है, पीले के लिए अंक जो है वो क्या है, 4 है। ठीक है, 4। अब दूसरा क्या दिया है, लाल दिया है, लाल क्या दिया है, कलर मींस इसका अंक दिया है 2। ठीक है, 4 2। ठीक, अब तीसरे का हम लोग को क्या लेना है, गुणांक लेना है, तीसरे गुणांक मींस हरा दिया है, तो हरा देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 10^5। अब प्लस माइनस क्या करना है, चांदी दिया है, चांदी के लिए हम लोग को कितना परसेंट लेना है, 10%, ये है हम लोग का आंसर। ठीक, समझ आया कि नहीं, पहले दो का जस्ट अंक लेना है, तीसरे का हम लोग को क्या लेना है, गुणांक लेना है, और चौथे के लिए परसेंटेज लेना है। ठीक, समझ आया कि नहीं। अब देखो मान लो, अब देखो ये तीसरा एक और देखते हैं रजिस्टर, तो पहला वाला कौन सा कलर दिया है, काला दिया है, काला दिया है मींस 0। ठीक है, दूसरे के लिए क्या दिया है, बैंगनी दिया है, तो बैंगनी कौन सा में है, 8वें नंबर पे है, जिसका अंक कितना है, 7 है, 7 गुणित। अब तीसरे के लिए क्या लेना है, परसेंटेज लेना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा में हरा दिया है, तो हरा के लिए क्या हो जाएगा, 10^5 प्लस माइनस, और चौथे में क्या दिया है, कोई रंग नहीं दिया है, मीन्स कोई सा कलर ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20%, और यहाँ पे लास्ट में ओम कर देना, ये है आंसर। समझ आया ना, एक बार और देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग ये कोडिंग कर सकते हैं। अगर कोई सा भी प्रतिरोध है, अगर उसका पहला, अगर पहला कलर जो है काला दिया है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, अगर भूरा दिया है तो 1 लिखेंगे, लाल दिया है तो 2 लिखेंगे, ऐसे ही पहले अंक, पहला जो कलर होगा उसके लिए, और दूसरा कलर होगा ये अंक लिखेंगे, और तीसरे के हम लोग क्या लेंगे, गुणांक लेंगे, और चौथे के लिए क्या लेंगे, परसेंटेज लेंगे। समझ आया कि नहीं, पहले के लिए, पहले दो के लिए एज इट इज अंक लेंगे, तीसरे के लिए क्या लेंगे, गुणांक लेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, चौथे के लिए हम लोग को परसेंटेज लेना है। ठीक है, अगर देखो मान लो इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या होगा, 4200000 प्लस माइनस 10% ओम, ये भी कर सकते हो, मींस ये इतना ओम का है करके आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ आएगा।